Hello friends, welcome to you on my YouTube channel Jatin CHAUHAN. Friends, today we learn macros in Microsoft Excel. The definition of macros: a macro is a program that copies keystrokes or mouse actions that are repeated and are common in the sheet. Friends, मैंने छोटा सा डाटा बनाया है जो मैं आपको बताऊंगा. शुरू में सीरियल नंबर, name of employee, month, TWD means total working days, leaves, EWD employee working days, salary and total payout जो कि leaves को हटा काटने के बाद होगी. Friends, subscribe कर दीजिए चैनल को and bell icon को दबाना बिल्कुल ना भूलें. Friends, आज हम सीखेंगे macros के बारे में जो कि हम दो तरीके से कर सकते हैं. पहला, जो कि हम व्यू में जाने के बाद जब हम व्यू को क्लिक करेंगे तो इसके आखिरी में आपको दिखेगा मैक्रोस, जिसमें व्यू मैक्रोस, रिकॉर्ड मैक्रो एंड यूज रिलेटिव रेफरेंस है. एंड सेकंड, मेन्यू में जाकर एक्सिस ऑप्शन, यहां दिख गया आपको शो डेवलपर टैब इन द रिबन, इस पर क्लिक करेंगे एंड ओके पर प्रेस कर देंगे. फ्रेंड, आपको दिख गया डेवलपर के क्लिक करेंगे, इस साइड देखोगे तो मैक्रोस, यहाँ हम यूज रिलेटिव रेफरेंस दबाएंगे, इसका यूज मैं आपको आखिर में बताऊंगा. फ्रेंड, जब हम मैक्रोस रिकॉर्ड करते हैं तो हमें इसका स्टार्टिंग और एंड पॉइंट देना जरूरी होता है ताकि हम सही से हो जाए, वरना बहुत दिक्कत होती है. अब जैसे हम इसको रिकॉर्ड करेंगे तो इसका ये नाम होता है, हम इसमें चेंज भी कर सकते हैं कुछ अपने अकॉर्डिंग, फिर इसको शॉर्टकट की दे भी सकते हो या नहीं भी. हम इसको शॉर्टकट की देते हैं कंट्रोल शिफ्ट दबा के साथ में, इसमें जे कर देते हैं. ओके, अभी रिकॉर्ड होना शुरू हो गया. ऊपर आप देख सकते हो स्टॉप रिकॉर्डिंग है, तो यहाँ से हम पहले रो इंसर्ट करवाएंगे. हम यहाँ 6 मंथ का लेंगे, इसलिए यहाँ रो इसी हिसाब से 6 दे देते हैं, क्योंकि बाद में टोटल भी ले लेंगे. इंसर्ट, यहाँ मैं मंथ भर देता हूँ जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून एंड ये टोटल, जो कि सबका जो नीचे होगा टोटल दिखा देंगे. हम 6 मंथ का लेते हैं क्योंकि फिर बड़ी हो जाएगी, वरना 12 का भी ले सकते थे. हम हाफ ईयर का लेके देखेंगे. इसको हम बोल्ड कर देते हैं, होम पे जाके बोल्ड. अब मैं यहाँ जो TWD है इसको टोटल वर्किंग डेज कितने बैठेंगे जनवरी के हिसाब से, फरवरी के हिसाब से, मार्च के मैं भर देता हूँ. जनवरी में चूंकि 4 संडे हैं तो 27, फरवरी में 25, मार्च में 26, अप्रैल में 26, मई में 26 एंड जून में भी 26. अब हम इसका ऑटोसम कर देंगे, ऑटोसम में इसका टोटल आ जाएगा. अब मैं इसको स्क्रॉल करके सारे इधर तक कर देता हूँ, टोटल पे आउट तक, ताकि ये हमें बार बार चेंज ना करना पड़े. ये हमारा ध्यान रखिए मैक्रो रिकॉर्ड होने लग रहा है हमारा, इसको भी नीचे तक कर देता हूँ. ये नीचे देखिए हमारा टोटल आ चुका है 1,26,000, 6 मंथ की सैलरी जो बैठेगी, और यहाँ टोटल वर्किंग डेज जो 6 मंथ के बैठेंगे 156. अब हम इसको स्टॉप रिकॉर्डिंग कर देते हैं. फ्रेंड, अब हम इसके बाद हम भर देंगे, जैसे कि हमने डाटा रिकॉर्ड किया है उसके बाद मैं भर के दिखाता हूँ. उसके बाद मैं इसको आपको दिखाऊंगा कि कैसे हम मैक्रोस का रिकॉर्ड यूज करते हैं. फर्स्टली लीव्स भर देता हूँ, जितनी भी जैसे एम्प्लॉय ने छुट्टी करी होगी, अभिषेक ने जितनी छुट्टी इस मंथ में ली है, 3 जनवरी में ली, फरवरी में 2,4,0,0,5, तो इसी बिहाफ पे इसके जो ईडब्ल्यूडी यानी कि एम्प्लॉय वर्किंग डेज बैठे हैं वो कितने बैठेंगे, 27 में 3 माइनस 24, 23, 22, ये ऐसे करके नीचे तक बैठ जाएंगे. ऐसे इसका टोटल पे आउट जो कि 21,000 के अकॉर्डिंग डिवाइड बाय 27 और मल्टीप्लाई 24,
इस अकॉर्डिंग हमने सारी इसकी टोटल पे आउट जो भी इसे मिलना था वो हमने भर चुके हैं। हम अब फ्रेंड्स इसमें मैं दिखाऊंगा कि हम मैक्रोस जो हमारा मेन मोटिव है, जो हमारा टॉपिक है आज का, मैक्रोस का यूज करना। तो हमने जो स्टार्टिंग पॉइंट दिया था उसके अकॉर्डिंग हम इसका यूज कर सकते हैं। ये मैंने दिखा दिया, नीचे टोटल सबका आ रहा है। अब यहां से हमने ये स्टार्टिंग पॉइंट दिया था, हम जाएंगे व्यू मैक्रो पे एंड इसको रन कर देंगे। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि जो आदित्य के हैं उसमें इसका टोटल TWD भी आ चुका है और जो सैलरी 15,000 है इसका टोटल होने के बाद नीचे भी आ चुका है 6 मंथ का पूरा। अब यहां भी हम जैसे हमने ऊपर भरा था ऐसे ही हम नीचे भी काउंट कर देंगे, जितनी भी इसकी लीव्स लगी हैं, जितने इसके EWD बैठे हैं, जितना टोटल पे आउट बैठेगा सब हम भर देंगे इसके, इसे जिस लीव्स के अकॉर्डिंग EWD भर देंगे हम इसमें 27, 23, 23, 26, 26, 25, 26। ऐसे फ्रेंड इसका हम जो टोटल पे आउट बैठेगा इसको हटाकर वो हम टोटल भर देंगे इस साइड। आप देख रहे हैं हमें ज्यादा काम नहीं करना पड़ा, हमें जो इसका मैक्रोस है मैक्रोस का पूरा यूज हमें मिल चुका है। काफी चीज हमने जैसे सैलरी नहीं भरी है, TWD नहीं भरा है, टोटल हमारा आ गया नीचे, ये आप देख रहे हैं सारा। अब यहाँ पर हम जो हमने शॉर्टकट की करी थी Ctrl Shift J, उसको क्लिक कर देंगे। देखिए शॉर्टकट की हमने प्रेस करी Ctrl Shift J तो हमारा ये आ गया है। अब हम यहाँ पर जो भरना चाहें जैसे इनका लीव्स EWD जो भी हम इस प्रकार भर देंगे इजीली वे में। तो ऐसी फ्रेंड हम भर सकते हैं। ऐसे इसकी फिर जो सैलरी है पे आउट वो भर सकते हैं। ये हमारा टोटल हो गया फ्रेंड्स। अब मैं बताऊंगा कि हमने जो यूज रिलेटिव रेफरेंस का मैंने बताया था कि ये लगाना क्यों जरूरी होता है, जैसे मैंने अभी हटा दिया। अब मैं रिकॉर्ड करता हूँ कुछ भी, जैसे हमने स्टार्टिंग पॉइंट दे दिया है मैक्रो का। अब जब रिकॉर्ड करेंगे तो पहले तो नेम, फिर हमने यहाँ इसका शॉर्टकट की Ctrl Shift D दे दी है। अब जब हम इसको हम स्टार्टिंग पॉइंट से लगाएंगे तो ये नीचे से, अब पहले हम पहले इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। इंसर्ट करने के बाद टोटल ऑटोसम कर दिया हमने ये, और उसको हम स्क्रॉल कर पूरी लाइन में कर खींच देंगे, कर दिया। अब हम इसको स्टॉप रिकॉर्डिंग कर, देखना फ्रेंड्स ऐसे हो जाएगा, फिर हम इसको स्टॉप कर देंगे। अब हमारा ये मैक्रो रिकॉर्ड हो चुका है ये टोटल जैसे आ गए, लेकिन जब हम इसको यहां से करेंगे स्टार्टिंग पॉइंट से तो इसका जब हम इसको करेंगे तो ये हमने 3-4 करा है ये वहीं से स्टार्ट होगा जहां से हमने स्टार्टिंग पॉइंट लिया था, जहां हमने पहले किया था उसी जगह पे ये दोबारा आएगा। ऐसे नहीं होगा कि ये अगली बार आदित्य का आ गया फिर धानी का आ जाएगा, ऐसे नहीं होगा। जैसे हम धानी का करेंगे इस बार, मैं पहले वाला करके दिखाता हूँ, ये फर्स्ट वाला ये हमने क्योंकि यूज रिलेटिव रेफरेंस के द्वारा किया था इसलिए ये अपनी जगह पर आया है, जहां हमने धानी के लिए करा था धानी के लिए। लेकिन इसी को अब मैं इस वाले को लगा के दिखूंगा जो फोर्थ वाला मैंने बनाया है अभी, टोटल वाला जब मैं दोबारा करूंगा, देखिए आप जब मैं फोर्थ को करूंगा रन करूंगा तो ये दोबारा से ऊपर ही आएगा। ये इसका यूज रिलेटिव रेफरेंस का फायदा होता है करने का। ये जो स्टार्टिंग पॉइंट होती है ये बस एक को ही रखता है, बार बार चेंज नहीं करता उसको। लाइक कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू फ्रेंड, थैंक्स यू।